तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का डेमोक्रेसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वाला डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया का एक वीडियो आ चुका था काफी पहले, वीडियोस थोड़ा सा लेट हो गया, ये उसी का सेकेंड पार्ट है। और आप लोग देखो, मैंने मैसेज भी आप लोगों के लिए डाला हुआ था, जब तक आपका गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आता है कि एग्जाम कैंसिल होगा करके, तब तक आप जो है पढ़ाई मत छोड़ो। ठीक है, इवन क्या पढ़ाई क्या है, आप पढ़ते रहो, ये चीजें आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। ठीक है, जब आप किसी को अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि 10th का 9th का क्या काम आने वाले, जब आप यही चीज गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन या किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे ना, तो सारी बेसिक चीजें यही से जुड़ी हुई होती है। तो आप अपने पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और मेरे ख्याल से अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो 90% चांस है कि एग्जाम जो है आप लोगों का भी पोस्ट मतलब खत्म हो जाएगा, एग्जाम नहीं होगा 90% मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा क्या हो गया, खराब हो गया है। तो एग्जाम होने के जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम है फिलहाल, 10th का तो और भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप पढ़ाई करते रहो। और हाँ, मैं साथ ही साथ आप लोगों को जैसे 10th के पढ़ने में अगर इंटरेस्ट अगर हो रहा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा कि सब चीज तो हमने पढ़ लिया है और क्या करके, तो मैं आप लोगों के लिए एक और नया चीज करने वाला हूँ। आज से या कल से जो है 11th के जो है वीडियोस आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स के, मैथ्स के, ये दो सब्जेक्ट के वीडियोस जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके आप वीडियोस को देख के जो है तैयारी करते रहो, ताकि 11th में जाकर वो चीजें आपके लिए इजी हो जाए। एक सेपरेट वीडियो और लेकर आऊंगा मैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा, जैसे 10th में जब बच्चे रहते हैं, जैसे मैं भी था, तो मेरे को भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ, कैसा सब्जेक्ट चूज करूँ। 10 लोग अलग अलग बातें बोलते थे, 10 बातें बोलते थे, तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन जो है क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं एक डिटेल में वीडियो अपलोड करूंगा। उसके बाद आप अपने मर्जी से क्या करना है, उसका सिलेक्शन जो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको करना है। ठीक है, देखो, ऑन द होल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज मोर सक्सेसफुल देन एनी वन एक्सपेक्टेड। अच्छा, एक और चीज, जैसे अभी कुछ अभी आप 10th में हो, 9th वाले जो बच्चे हैं उनका जनरल प्रमोशन हो चुका है, तो एक काम कीजिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरे वीडियोस हैं, ये जो चैनल है, ये जो आपके 9th पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन तक पहुंचाइए। कि यूट्यूब में एक सर हैं ऐसे जो मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के जो है सारे सब्जेक्ट, मतलब तीनों सब्जेक्ट के जो वीडियोस अपलोड करते हैं करके, प्लीज उन तक ये चीज बता दीजिए, ताकि उन लोग भी लॉकडाउन में खाली पीली ना घूमे, उनका भी थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई जो है हो जाती है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज आप एक्सेप्ट करना इसको। देखो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्शन फर्स्ट जो 1952 में पहला जनरल इलेक्शन जो हुआ था, वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा करके किसी ने सोचा नहीं था, किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन इतना सक्सेसफुल होगा। अराउंड 40% ऑफ वोटर ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स। लगभग 40% जो वोटर्स थे उन्होंने क्या क्या अपना वोटिंग जो है किया था। अराउंड 40% ऑफ द वुमेन वोटर ऑल्सो पार्टिसिपेट। मतलब देखो, टोटल वोट कितना हुआ, 40%, मतलब जितने रजिस्टर्ड थे। देखो एक होता है इलेक्टोरल इलेक्टोरल लिस्ट होता है, ठीक है, मैं एक आपको बता देता हूँ, इलेक्टोरल लिस्ट, जैसे आप लोगों के स्कूल में आपके क्लास का अटेंडेंस होता है ना, उसी तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले एक इलेक्टोरल लिस्ट जारी होता है, जिस लिस्ट में, उस लिस्ट में जिसका जिसका नाम होता है वही क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। तो जितने भी इलेक्टोरल लिस्ट में जितने भी नाम थे, उसमें से 40% लोगों ने वोटिंग किया। मतलब अगर 100 लोगों का इलेक्टोरल लिस्ट में नाम रहा होगा, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों ने जो है वोटिंग किया था टोटल। अब जो वुमेन्स थी उसने भी 40% वोटिंग किया, मतलब जितने टोटल वुमेन थे, टोटल वुमेन में से 40% वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, मतलब टोटल वोटिंग हुई 40। अब देखो मैं इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, जैसे मान लो 100 लोग हैं, अब इस 100 में मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। ठीक है, तो टोटल जो वोटिंग हुई थी वो हुई थी 40% वोटिंग हुई थी, मतलब 100 में से 40 लोगों ने वोट किया था। अब देखो जितने भी फीमेल रही होंगी ना, उस फीमेल में से फिर से 40% महिलाओं ने ही क्या किया था, वोट किया था। ये 40% है मेल और फीमेल को मिलाकर टोटल वोटिंग है, और फीमेल की अगर इंडिविजुअली बात करें तो इंडिविजुअली फीमेल ग्रुप ने 40% लोगों ने वोट किया था। ठीक, देयर वाज अ नेग्लिजिबल पोल वायलेंस। और जहां पर पोलिंग बूथ मतलब क्या होता है, जहां पर वोटिंग डालने के लिए जाते हैं लोग, सेंटर बोल सकते हो, वहां पर जो वायलेंस है वो बहुत कम हुआ था। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय जवाहरलाल नेहरू वोन बाय अ ह्यूज मेजोरिटी, 45% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ द पार्टी।
देखो, और इस पहला इलेक्शन जो हुआ था उसमें जीते कौन थे, तो कांग्रेस पार्टी जो है जीती थी। और उस समय कांग्रेस पार्टी को लीड कौन कर रहा था, तो उस समय कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने जो है जीता था। विच वोन 74% ऑफ द सीट इन द लोकसभा, और लोकसभा में जितनी भी सीटें थी उस समय उसकी 74% सीटों को किसने जीता था, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी ने जीता था। बट द नॉन कांग्रेस पार्टी ऑल्सो गोट वाइड सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, लेकिन जो लोग कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे, जो कांग्रेस के बाहर के थे, उनको भी जो है लोगों ने बहुत अच्छा वोटिंग जो है किया था। और कौन कौन सी ऐसे पार्टीज थी जिनको वोटिंग किया था लोगों ने कांग्रेस के अलावा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ एंड द सेवरल रीजनल पार्टीज, और छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज थी इनको जो है लोगों ने वोटिंग किया था। इंडिपेंडेंट इंडिया दस टूक इट फर्स्ट सक्सेसफुल स्टेप टुवर्ड्स द मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम था। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक पार्टी ना हो बहुत सारी पार्टियां हो। तो इस जो पहला इलेक्शन था ना, उसमें जिस तरीके से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, तो हमको लगा कि हाँ हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक है और यहाँ पर बहुत सारे पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं करके। द जनरल इलेक्शन दैट फॉलोड इन 1957 1962 वर ऑल्सो सक्सेसफुल विथ इंडियन डेमोक्रेसी स्ट्राइकिंग डीप रूट्स। इसके बाद पहला इलेक्शन तो अच्छा हो गया जिससे डेमोक्रेसी की जो जड़ें हो मजबूत हो गई, फिर दूसरा इलेक्शन हुआ 1957 में, फिर तीसरा इलेक्शन हुआ 1962 में, तो इन दोनों इलेक्शन भी सक्सेसफुल हो गए हमारे, तो जिसके कारण से क्या हुआ, हमको हमारे डेमोक्रेसी पर विश्वास जो है और बढ़ता गया, डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं वो और मजबूत होती गई। लेकिन इन पहले तीन इलेक्शन में अच्छी बात तो यह थी कि डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था। ठीक है, सिंगल पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस। मतलब तीनों के तीनों इलेक्शन में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, और 17 सालों तक जो है क्या हुए, जवाहरलाल नेहरू जो है क्या होते हैं हमारे इंडिया के जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बनते हैं। सबसे लंबा टेन्योर पर कोई अगर राज करने वाला कोई प्राइम मिनिस्टर अगर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनना कौन है बोले से, जवाहरलाल नेहरू जो है 17 सालों तक जो है क्या थे, पीएम थे इंडिया के। देखो, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डोमिनेंट पार्टी इन द फर्स्ट थ्री इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952, 1957, 1962। इन तीनों सालों में जो है इंडिया क्या करता है, इंडिपेंडेंस जो हुआ था उसके बाद तीनों इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ही जीतती है। विथ नो अदर पार्टी विनिंग इवन 10% ऑफ द वोट इन इन ऑन इट्स ओन। मतलब बाकी जो अलग पार्टीज थी ना, उसमें से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो 10% भी सीटें क्या कर सके, जीत सके। कांग्रेस वोन ओवर 70% ऑफ द सीट इन द लोकसभा इन दिस इलेक्शन, इवन दो इट वोन ओनली 45% ऑफ द टोटल वोट कास्ट। देखो, वोटिंग सिर्फ कितना हुआ था, 45% इनको मिला था, लेकिन फिर भी इन्होंने 70% से ज्यादा सीटें जो है क्या की थी, जीती थी। ठीक है, द पार्टी ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट इन द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट। देखो, उस समय जब पहला जनरल इलेक्शन होता था, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो उस समय स्टेट के भी इलेक्शन एक साथ होते थे और सेंट्रल के भी इलेक्शन एक साथ होते थे। तो सेंट्रल पे तो कांग्रेस की सरकार बनी ही थी, लेकिन बहुत सारे जो राज्य थे, स्टेट जो थे, वहां पर भी जो है इनकी जो है पार्टी की जो है जीत जो है हुई थी। बट ऑल्दो ओनली अ सिंगल पार्टी रूल्ड एट द सेंटर इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट, अदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑल्सो फ्लरिस्ट। देखो, लेकिन फिर भी हमारी डेमोक्रेसी की सुंदरता इतनी है कि सेंटर में भी कांग्रेस है, राज्यों में भी कांग्रेस है, लेकिन फिर भी बहुत सारी पार्टीज जो है क्या हुई थी उस समय, इमर्ज जो है हुई थी। इवन विद इन द कांग्रेस पार्टी देयर वर मेनी डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स विद द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दिस डिफरेंट ग्रुप पीपल हेल्पिंग टू स्ट्रेंथन द इनर पार्टी डेमोक्रेसी। इसके अलावा कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग थॉट्स को लेकर चलते थे, अलग अलग आइडियोलॉजी को लेकर चलते थे, ये अपनी बातें पार्टी के अंदर में रखते थे, जिसके कारण से पार्टी जो है क्या हुई और भी स्ट्रॉन्ग जो है इनकी होती गई। थ्रू अदर पार्टीज कुड नॉट चैलेंज द डेमोक्रेसी ऑफ द कांग्रेस, डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, दे हेल्प एस्टैब्लिश अ हेल्दी ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज बाय द कॉन्टेस्टिंग द पोल्स। देखो, भले ही बाकी सारे पार्टीज ने क्या किया, कांग्रेस को नहीं हरा पाया, लेकिन हाँ एक अच्छा डेमोक्रेसी को सेटअप करने में बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। क्योंकि अगर एक ही आदमी, देखो रेस में अगर एक ही आदमी है तो जीतेगा भी वही, लेकिन अगर रेस में बहुत सारे आदमी हैं और उसमें एक आदमी जीतता है तो उसके जीतने का मजा ही क्या होता है, कुछ और होता है। ठीक है, द
their influence kept growing and within the few decades they began to pose a serious challenge to Congress dominance. लेकिन देखो क्या होता है जब एक ही आदमी रूलर बन जाता है ना, कितना भी अच्छा हो वो डेमोक्रेसी के लिए क्या आपके किसी भी चीज के लिए अच्छा जो है नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम लोग तानाशाह बोलते हैं, ठीक। तो एक ही आदमी का डोमिनेंस होना एक अच्छी बात जो है नहीं है, और यही चीज 20-25 साल बाद जो है हमारे इंडिया के लोगों को जो है फील होना स्टार्ट हो गया, पॉलिटिकल थिंकर्स को लगना स्टार्ट हो गया। देयर ग्रोथ एंड दस स्ट्रेंथन इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट वाज विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज मल्टी पार्टी सिस्टम थ्राइव्ड डिस्पाइट द प्री एमिनेंस ऑफ द वन पार्टी फॉर द नियरली 20-25 ईयर। जहां एक और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये चाहते थे कि एक मतलब अलग अलग पार्टीज आए, हर पार्टी को मौका मिले और हर पार्टी जो है क्या कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, जीत हारे वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर 20 से 25 सालों तक सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक ही पार्टी का जो है राज था। तो जिसने क्या किया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इंडिपेंडेंट इंडिया में एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रूल होना हमारे लिए सही है या नहीं है करके, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक ही पार्टी जो है अभी नरेंद्र मोदी की पार्टी है, नरेंद्र मोदी की भी पार्टी जो है 2 साल हो गया, 2 टेन्योर तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट की है, अगर तीसरी बार भी अगर आ जाता है तो अगर कोई पार्टी 3 बार आ गई या 2 बार जीत गई उसके बाद से उस पर कंट्रोल कर पाना पॉसिबल जो है नहीं होता है। इसीलिए डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इसमें पार्टीज जो है चेंज होते रहती है, ठीक है। तो पार्टीज जब चेंज होते रहती है तो कोई जो है ओवर रूल नहीं करता है, मतलब ओवर रूल मतलब कोई डोमिनेंस नहीं करता है, क्योंकि 5 साल बाद फिर उनको जवाब देना है। अब अगर एक ही आदमी जीत रहा है तो उसको एरोगेंस आ जाता है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। देखो 1949 से लेकर 1956 तक जमींदारी सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। जमींदारी सिस्टम मतलब क्या होता था, जब अंग्रेज थे तो उस समय जो गांव थे जो शहर थे, मतलब जिनका जमीनें थे खेती होती थी, वहां पर जो पूरी की पूरी जमीनें जो थी वो कुछ ही लोगों के हाथों में होती थी, और पूरे गांव के जो लोग हैं उस आदमी से जो है क्या करते थे, जमीन लेते थे और खेती करते थे, और बदले में उसको पैसा टैक्स आप जैसा समझना चाहो वो जो है उनको देते थे। देखो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द जमींदारी सिस्टम प्रिवेल्ड ओवर मोस्ट रीजन ऑफ द कंट्री। पूरे के पूरे हमारे कंट्री में जो है जमींदारी सिस्टम लागू था। द लैंड ओनिंग क्लास हैड डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट रीजन, जमींदार, मालगुजार, गौटिया, जागीरदार, अलग अलग जगहों पर इन जमींदारों को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे जमींदार, मालगुजार, गौटिया, जागीरदार, ये ऐसे लोग होते थे गांव के जिनके पास पूरे गांव के जमीन का कंट्रोल होता था, ठीक है, और ये किसानों को बांटते थे, छोटे छोटे जो फार्मर्स लोग होते थे उनको बांटते थे कि ये लोग जमीन पे खेती करो, खेती करने के बाद मेरे को पैसा देना, टैक्स देना करके। दे कलेक्टेड लैंड टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे वेयर रिगार्डेड एज ओनर ऑफ द लैंड। ये क्या करते थे, ये जो है उन किसानों से जो है टैक्स लेते थे और ये खुद जमीन के मालिक कहलाते थे। दे डिसाइडेड हाउ मच रेंट फॉर फार्मर्स शुड पे इन द एविक्टेड दोज हु कुड नॉट पे। इन्हीं लोग डिसाइड करते थे कि किस किसान से कितना टैक्स लेना है, किस किसान से कितना कम लेना है, कितना ज्यादा लेना है करके, और उस किसान का क्या करना है जो टैक्स पे नहीं कर पा रहा है। दे डोमिनेटेड द विलेजेस गेटिंग द विलेजेस टू वर्क फॉर देम विदाउट पेमेंट। और इन लोग क्या करते थे, फोर्स लेबर को इनकरेज करते थे। फोर्स लेबर का मतलब क्या होता है कि मतलब जबरदस्ती काम करवाना और काम के बदले पैसे ना देना, ये कहलाता है फोर्स लेबर। After independence, the first task facing the state government was to abolish the jamindari system. जैसे ही हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस जमींदारी सिस्टम को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स इनेक्टेड लॉज टू एबोलिश द जमींदारी, एलिमिनेट फोर्स लेबर एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड अमंग द लैंडलेस। और यही चीज हुआ, सारे स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है क्या किया, जमीनों को जो है जो कुछ ही लोगों के पास था उनसे छीना और बाकी सारे किसानों को जो है डिस्ट्रीब्यूट जो है किया। We saw in the previous chapter how the land law put legal obstacle in the way of implementing these law and how the constitution was amended for the first time to resolve this issue. हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से डेवलपमेंट जब होने वाला रहता है तो बहुत सारे लोग उसमें ऑब्स्टेकल डालते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसी तरीके से जब सरकार ने क्या किया, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर बहुत सारे जो जमीनों के जो मालिक होते थे, बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, वो हल्ला करने लगे। फिर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या किया गया, पहला अमेंडमेंट जो है किया गया था, सुधार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे।
By 1956, the jamidari system was abolished across the country and the redistributed of the land of the jamidar was underway. मतलब 1956 तक क्या हो गया, जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उनसे सरकार ने ली और जिनके पास जमीनें कम थी उनको क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, अराउंड 200 लाख पीजेंट फैमिलीज वेयर बेनिफिटेड. उस समय लगभग लगभग 200 लाख किसान परिवारों को इसका बेनिफिट हुआ, जमीनें मिली उनको खेती करने के लिए. बिकमिंग ओनर्स ऑफ द लैंड दे टिल्टेड, अब वो जमीन के खुद मालिक कहलाए. पहले जमीन के मालिक ये खुद नहीं होते थे, जमीन का मालिक गौंडिया वगैरह होते थे, ठीक है. अब ये जो खुद क्या हो गए, जमीन के मालिक जो है बन गए, ठीक. दे वेर मोस्टली मिडिल लेवल फार्मर्स, और ये छोटे छोटे किसान होते थे. दे वर लिविंग कंडीशन डेफिनेटली इंप्रूव, बट द जमींदारी सिस्टम कुड नॉट बी फुली अबोलिस्ट. इनका जो है मतलब जीवन स्तर तो सुधरा, लाइफस्टाइल सुधरा, लेकिन क्या हुआ कि जो जमींदार जो थे, ठीक है, उन्होंने अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा. मतलब एक तरीके से सरकार के कहने पर जमीन तो दे दी, लेकिन दूसरे तरीके से फिर उन पर क्या होने लगे, हावी होने लगे. कैसे, अब एक किसान है, अगर एक किसान को खेती करना है तो बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, दवाइयां चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए. अब ये तो छोटे छोटे किसान है, इनके पास तो पैसे है नहीं, ये जाते थे फिर इन्हीं बड़े बड़े किसानों के पास. तो जमीन तो भले ही इन्होंने दे दिया, लेकिन अब पैसे के लिए ये लोग ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर पैसा देने लगे और इनको जो है लूटने लगे, ठीक है. मतलब एक तरीके से जमीन दे दिया, ठीक है ले लो, लेकिन जमीन के लिए पैसा, मतलब खेती करने के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा नहीं तो हमारे पास ही आओगे करके. तो पहले जो है 5% जहां पर पहले टैक्स लेते थे, अब 20% 40% टैक्स लेने लगे. जितना का टैक्स नहीं होता था, मतलब जितना पैसा नहीं लेते थे उससे ज्यादा टैक्स हो जाता था इनको, ठीक है. मतलब जैसे किसी ने किसी जमींदार से 1,000 रुपए लिया और एक साल में लौटाऊंगा करके बोला, उसका टैक्स ही इतना ज्यादा हो गया कि वो 1,000 से बढ़कर ज्यादा हो गया, तो उस किसान को उतना बेनिफिट होता नहीं था. 2,000 का सामान उगाया, 1,000 रुपए तो उसको, 1,000 रुपए तो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल था वो दे दिया, 500 रुपए टैक्स दे दिया, बचा कितना उसके पास, 500 रुपए बचा. तो 500 रुपए में अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा. तो एक तरीके से बस उनको जमीनें मिली लेकिन उनको फैसिलिटीज जो है नहीं मिली. उस समय भी जमींदार जो है क्या करते थे, इनको जो है कंट्रोल जो है करते थे, ठीक है. तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे हम लोग. अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदू कोड बिल के बारे में, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हिंदू कोड बिल क्या था, इस पर इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्यों हुई थी, कांग्रेस पार्टी ही आपस में क्या हो गई थी उस समय जो है कंफ्यूजन में थी. मतलब कुछ लोग जो थे हिंदू कोड के अगेंस्ट में थे, कुछ जो है इसके फेवर में थे, और इस कारण से जो है जो भीमराव अंबेडकर है उनको क्या करना पड़ा था, इस्तीफा जो है देना पड़ गया था मिनिस्ट्री से, ठीक है. तो वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो. बाय बाय. और मेरा मैसेज आप फैला देना कि जो 9th में बच्चे हैं उनको इस चैनल का लिंक दे देना, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से पढ़ सके, और जरूर सब्सक्राइब जो है करें. बाय बाय.